subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. YouTube channel Venus Tech में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो HVAC का जो डिजिटल थर्मोस्टेट है, जो हनीवेल का डिजिटल थर्मोस्टेट है, उसमें आपको कंप्रेसर का जो ऑफ टाइम जो है उसको कितना रखना चाहिए और उसकी सेटिंग कैसे करें, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये डिजिटल थर्मोस्टेट है हनीवेल का, तो इसमें आपको सेटिंग जो ऑफ टाइम है, आपको कंप्रेसर का ऑफ टाइम उसको कितना रखना है और कितनी सेटिंग करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताने वाला था कि अगर आपके पास हनीवेल का या डिजिटल थर्मोस्टेट है HVAC का, तो उसमें जो कंप्रेसर का जो ऑफ टाइम है उसकी सेटिंग कैसे करें और उसका ऑफ टाइम कितना रहना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये मैं आपको बताने वाला था। फ्रेंड, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें हनीवेल का जो थर्मोस्टेट है, इसमें जो ऑफ टाइम है कंप्रेसर की, इसमें 1 to 5 मिनट रहता है, और आपको कितना टाइम जो रहना है ऑफ टाइम रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ऑफ टाइम रहता है 1 to 5 रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको जो ऑफ टाइम है कंप्रेसर की 3 to 5 मिनट इसको ऑफ टाइम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम में 2 सर्किट लगा हुआ तो पहले आपका 1 सर्किट चलेगा और दूसरा जो ऑफ टाइम के आपसे जो 3 से 5 मिनट तक चलेगा। तो आपको कितनी सेटिंग करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर 5 मिनट तक की सेटिंग करते हैं, लास्ट सेटिंग तक करते हैं, तो आपका ज्यादा बेटर रहेगा और आपका जो कंप्रेसर है थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी खासी रहेगी। तो यानी कि ऑफ टाइम अगर हम 5 मिनट रखें तो ऑफ टाइम हमारा 5 मिनट काफी अच्छा होगा। तो इसमें जो हनीवेल का जो थर्मोस्टेट है, इसमें ऑफ टाइम की सेटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देख पा रहे फैन का की है और यहाँ पे सिस्टम का की है, तो इसमें सिस्टम को की को आपको टच नहीं करना है, फैन के की को, यहाँ पे ऑन मोड और ऑटो मोड है इसको भी टच नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अप और डाउन की है, तो इसको जो फैन का की और आपको अप की दोनों एक साथ को प्रेस करना है, कंटिन्यू प्रेस करके रखे रहना है कुछ सेकंड तक, और उसके बाद से कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग जो है बदल जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से सिंपली नेक्स्ट करना है और जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ सिर्फ वही सेटिंग करना है, दूसरा सेटिंग अगर टच करेंगे आप तो जो है आपका जो है सेटिंग नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 15 और यहाँ पे 5, तो यहाँ से ये वाला जो सेटिंग है ये ऑफ टाइम है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाउन की से मैं इसको ऑन 0 से 1 तक, 1 2 3 4 5 तक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 5 तक अगर इसकी सेटिंग रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, इसको 5 तक करके, इसको 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 इसको करके उसके बाद सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद जो ऑफ टाइम इसका जो सेट हो चुका है ये 5 मिनट, क्योंकि अब जब आपका ये ऑफ टाइम 5 मिनट सेट हो चुका है तो आपका कंप्रेसर जो है 5 मिनट के बाद ही स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।